नागपुर के आईजीएमसी में क्वारंटाइन किया गया व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। यह चंद्रपुर निवासी है जो इंडोनेशिया से प्रवास कर लौटा था। नागपुर एयरपोर्ट में स्क्रीनिंग के बाद से ही इसे क्वारंटाइन किया गया था। इंटरनेशनल टूर से आने वाले व्यक्तियों की एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग कर उन्हें 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया जा रहा है ताकि कोरोना के लक्षण होने पर तुरंत इसका इलाज किया जा सके, इसका प्रसार ना हो। इसलिए चंद्रपुर निवासी इस व्यक्ति को भी नागपुर के इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में रखा गया था और उसका स्वैब टेस्ट के लिए लैब भेजा गया था। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अब उपचार प्रक्रिया शुरू है। जे इंटरनॅशनल पॅसेंजर्स होते ते आपण इन्स्टिट्यूशनल क्वारंटाईन कंपल्सरी करत होतो, त्याच्यामुळे तिथेच होते, त्यांची पॉझिटिव्ह आलेलं आहे आणि त्यांचेसुद्धा जे आजूबाजूचे काही कॉन्टॅक्ट असतील त्यांनाही आपण हॉस्पिटलमध्ये टाकलेलं आहे। हे करत असताना ते बेसिकली इंडोनेशियाहून दिल्लीला गेले आणि दिल्लीहून इथं आले अशी त्यांची हिस्ट्री आहे। ते मूळचे चंद्रपूरचे आहेत, ते आता तिथं ट्रीटमेंट चालू आहे। ऐसी जानकारी मनपा आयुक्त तुकाराम मुंडे द्वारा दी गई है। अभी जी परिस्थिती आहे ती असिम्प्टोमॅटिक आणि स्टेबल आहे, तर बहुतेक ते मरकजच्या ठिकाणी जाऊल असावेत असा अंदाज आहे, पण अजून मला कन्फर्म सांगता येणार नाही, परंतु इंडोनेशियाहून ते दिल्लीला गेले आणि दिल्लीनंतर इथं आलेले आहे। सभी से निवेदन है की कोई भी अपनी ट्रॅव्हल हिस्ट्री ना छिपाए और प्रशासन के कार्य में सहयोग करे ताकि जल्द से जल्द इस महामारी से जीत सके। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ दीपिका धनेश्वर की रिपोर्ट, इन बी सी एन न्यूज नागपुर।